वैसे एक बात तो है, मैं किसी का भी खर्चा करवा सकती हूँ बोल के। पता है क्यों? इसीलिए मेरा तो ओके तो मतलब कुछ कुछ लोग मुझे इतना फॉलो करते हैं, अगर मैं बोलूं मैं यहाँ जा रही हूँ पढ़े से लाइफ पे, अगर बोलूं वो पहले पहुंच जाते। मुझे बस इस चीज का हंसी है, बड़ी बड़ी बातें वड़ा पाव खाते। यस किसी ने लिखा है आप दुबई कब जाओगे? दुबई तो हमारा सेकंड होम है, हमको जाने की क्या जरूरत है? जरूरत ही नहीं है हमको जाने की, क्योंकि हमको जब चाहिए हम तब जा सकते हैं, हमको थोड़ी होटलों के खर्चा देना है। एनीवेज, अरे हम इस सब पे बातें नहीं करेंगे, बिकॉज जिनका करवाना था वो करवा दिया मैंने। मैंने कल पोल डाला दैट एंड नहीं बाबा, मेरे मामा जी वहाँ 26 इयर्स से है और मेरे दो बड़े भाई भी रहते हैं वहाँ पर, तो हमारा मैंने आज सारा मैंने बहुत लास्ट में लिया, अगर मैं एक्सेसरीज काफी वेयर करती हूँ तो मैंने जारा लास्ट में लिया, थोड़ा ज्यादा नहीं क्योंकि मैं जारा उतना पसंद नहीं करती हूँ। सैंडल्स मुझे बहुत पसंद है और बैग्स हर लोगा विक्टोरिया गुची, कोई कोई तो डुप्लीकेट लेके घूम। एनीवेज वो लोग भी बोल रहे चलो मैं जाऊंगी अभी जिम, देखो दुनिया इधर से इधर हो जाए लेकिन मेरा जिम ना छूटे। सार्थक चौधरी मेरे को क्या है, मेरे पीछे बर्बाद हो जाएगी वो, तो जाके समझा देना मैं बहुत सच्ची इंसान हूँ। वो शो ऑफ करती यार, मुझे ये बैग से ओपन है तो
हाँ मेरे इशारों पे चलती एग्जैक्टली मैं अगर बोलू ना गाइस आई एम गोइंग टू डू दिस तो उससे पहले ट्राई करती है नहीं, चौधरी तुमने गलत सुना है लोगों का काट के करती है समझे यस लिवेट यार तुम किसके ऊपर क्या बात कर रहे हो अरे अरे आपको रुको रुको इतना गलती इश्तियाक अरे है रुको रुको मैं कुछ गलती दिन से अरे पहले बोल गलती रही अरे थी मैं बाद में मैं आता दुबई हूँ। या सिंगापुर जा रही हूँ अगर सिंगापुर में भैया रहते हैं निशा तुम याद देख है पा रही हो ना मेरा लाइव? निशा तुम देख पा रही हो मेरा लाइव? मुझसे गलती से कहीं ब्लॉक तो नहीं हो गई निशा? उसमें दिमाग अच्छा है निशा है। ओके निशा तुम देख पा रही हो फिर ठीक है, मुझे लगा कहीं ब्लॉक हो गई गलती से। बोलो बोलो क्या बोल रहे हो कंटिन्यू। आपको याद है कुछ दिन पहले मैं बोल रही थी मैं सिंगापुर या दुबई जा रही हूँ याद है मेरी कितनी बड़ी फैन है आपको पता है एक भी लाइव नहीं छोड़ती है यार मुझे और नहीं खाना मुझे अभी जिम जाना है थोड़ी देर में फॉर इंग्लिश प्रेस 1, फॉर चाइनीज प्रेस 2। वहां चाइन चू थू आ जाए छो ऐ छो नो सो ना तुम्हारी माँ का आंख में क्या शुरू हो गया बोलो बोलो। मैं तो इंडियन आइडल वाली बन गई सही है। आपको नहीं लगता आज मैं गिफ्ट गिफ्ट मिलती क्या लग रहा है? नहीं मुझे नहीं लगता कुछ भी। क्या मैं ये बोल रही थी आपको याद है कुछ हाइकिंग में जब हम गोवा से घूम के आए तो हम कहीं मैं तब मैं जाने की बात कर रही थी याद है सिंगापुर या दुबई फ्लाइट पे बैठ के हम बातें कर रहे थे याद है पता मुझे क्या कथा मिली उन्ना को भी वही है। आगे कुछ नहीं आगे कुछ नहीं रहने दो यही पर मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। बाय यू आर बाय यू मैं ये नहीं मेरी बॉडी
मेरा एयरपोर्ट चार्ज। अभी मेरी वॉइस आ रही है प्रॉपर? ये कौन है, ये कौन है? क्रिकेट खेल रहे हैं। ओके सही है। अच्छा ओके थैंक यू सुधीर जी। यही है यहाँ के वेलो की जिंदगी। अपने पास तो टाइम ही नहीं है भाई, मीडिया हमारा देखो। हाँ तो मैं ये बोल रही थी कि कितनी बड़ी फैन है हमारे कुछ लोग कि हमारे एक भी लाइव मिस नहीं करते, पता आपको? बैठ के भी देख रही है हाँ लेटर है ये अभी। मतलब हम जो लाइव पे आज बोलते हैं ना, जैसे कि मैंने कल पोल डाला था भाई कि गाइस वर्साची और गुच्ची, ब्रांड का आज कभी भी वो ब्रांड का कभी भी वो लगा होता है, ब्रांड का कभी भी वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, टैग ब्रांड प्रिंटेड प्लेन नहीं होता मुझे 4 इयर्स, है ना। हाँ 4 इयर्स पहले वो नहीं एलवी होता का जो प्रिंटेड, बैग है वो प्रिंटेड फोर होता वो इयर्स दोनों पहले वाले का है, दुबई से लिया हुआ। टैग ब्रांड का जो भी टैग होता है ना वो दोनों तरफ से प्रिंटेड होता है, मतलब ऐसे प्लेन नहीं होते, ठीक है। उसपे ब्रांड्स के स्टिकर्स लगे होते हैं या उसपे मतलब प्रमोशंस के लिए ब्रांड के लगे होते हैं चीजें, तो वो दोनों तरफ से होता है। और गुच्ची वगैरह ब्रांड तो वैसे बड़े ब्रांड है, तो उन लोगों के भी लगे होते हैं चीजें, हर चीज लगी होती है, उन लोगों की प्राइस वगैरह हर एक चीज लगी होती है। तो जो प्लेन होता है वो नकली वाला होता है, नकली पे जो जो कॉपी वगैरह होती है ना उसपे पीछे वाले टैग्स प्लेन होते हैं, तो स्टोरी मैंने अभी नोटिस किया जब बात चल रही थी। मुझे तो फाइनली मैंने वो लिया सफर का, तो खैर वो तो ये था। मैंने आई थिंक ये बहुत ये हो गया। मेरा तो ये रिमेम्बर, मुझे ये भैया से मिला था लास्ट ईयर, बरवरी वाला लास्ट ईयर। ओके दीदी आई गॉट दिस वन। नाइस अच्छा। पर वो शो यस चल रहा था कहीं जो भेजा था। हाँ मैं गई थी बट बहुत ज्यादा पब्लिक थे तो मुझे वो क्राउड थोड़ा नहीं पसंद, तो मैं फिर चली आई। अच्छा था, मुझे लगा कहीं, मुझे भी ऐसे लगा कोई शो था वो। और मैं वैसे भी जो जो लेना है वो ही वही जाती हूँ, एंड उसके बाद तो मेरा ये भी नहीं जमता ज्यादा। एंड सारा का मैं तो एक्सेसरीज बहुत पसंद करती हूँ, तो सारा का ये एक्सेसरीज वगैरह। और विक्टोरियस का मैं दिखा नहीं सकती क्या क्या लिया, लेकिन मैं सिर्फ परफ्यूम दिखा सकती हूँ। बताओ ये तो मैंने डेट को यस्टरडे ये वाला लिया, आज मैंने दूसरा कुछ लिया। इन्फिनिटी आपको याद है जो मैं पहनती हूँ? क्या किसी के पास इन्फिनिटी नहीं है तो वो क्या करते हैं पता है? वो जो चेन का लॉक है उसको आगे रखते हैं, एंड देन गाइस
दिस इज इनफिनिटी सी। और बताओ हाँ? मैं तो जिम जाऊंगी तो मैंने सोचा अभी कुछ खाई। हाँ हाँ ये वाला परफ्यूम लिया और एक लिया छोटा सा और उसका नाम दिखाती हूँ। ओके वेट ये नाम देख के मुझे बहुत देखो ओके ये तो मैंने जस्ट कैरी कर ली वेरी सिक्स लॉग कोई लॉग इनफिनिटी बना दे अच्छा हाँ वो ओके okay. वो नाउ यू गॉट द पॉइंट वो यस सही है करने करने हमारे बाप का गया जाता है खुद कुछ नहीं जाता बाप का गया जाता है एंड अब मुझे पता चला कि कौन किसके कौन किसके फैन है और देख लो कौन किसके फैन है क्योंकि मैं तो बचपन से किसी के फैन हूँ ही नहीं मैं तो बचपन से किसी के फैन नहीं हूँ। मैं किसी की फैन थी ही नहीं बचपन से कोई बोल ही नहीं सकता। मैं तो कोई ना एक्टर की फैन हूँ ना कोई एक्ट्रेस की फैन हूँ। रही बात हो कुछ कुछ छप रही है अच्छा स्काई ब्लू ब्लू व्हाट इज दैट नेक्स्ट सिंगापुर फिर वहां का खर्चा छपरी का बढ़ाओ। गाइस मैं सिंगापुर जा रही हूँ गाइस मैं सिंगापुर जा रही हूँ मैं खर्चा करवा नहीं करो अच्छा देखो जिंदगी खुद के पैसों पे और बाप के पैसों में जीने में दोनों में बहुत फर्क होता है। खुद के पैसों से सिर्फ सिर्फ जो जिम्मेदारी वाला चीज है वो पूरी होती है। बाप के पैसों से दुनिया की हर शौक पूरी होती है समझे तो बात ऐसी है। और रही बात अगर दो नंबर ही के होते तो वो बात अलग है तो फिर आप कहीं भी कितना भी खर्चा कर लो लोगों के पैसों पर यस यस हाँ बाप के पैसों का बिल्कुल सही बात है। ऐसे मत लिखा करो। और कहाँ जा रहे हो सही बात है शुभम सही बात है तो उठा ले आके अच्छा शुभम तू उठा ले साले जो हम नहीं उठा पाते कलपने वाले आ गए यहाँ पे एंड दे आर राइटिंग अब्यूजिंग गॉड्स नो प्रॉब्लम पैसों से शौक भी पूरे करते हैं सही बात है भाई तो अपने अपने बताए उतने में रहो अपने पैसों से शौक वहीं तक पूरी होती है जहां तक हमको पता होता है कि हम इतना खर्चा करेंगे इतना रखेंगे इतना करेंगे ऐसा बोलो यार सही बात निशा कहाँ गई ये वीक्स क्यों लिख रहा है बार बार ये लोग गुड इन सॉक्स ब्ला ब्ला
पता नहीं मुझे कहाँ क्या मतलब से शौक, निशा नहीं शौक पता नहीं इसलिए ये देख रही है। इसलिए शौक एट द एंड ऑफ द डे सुकून मैटर्स। यो व्हाट्स अप एपी, सुकून मैटर्स, सही बात है। एपी कैसा है मेरे भाई, कितना ब्रो कितना ब्रो हम कितना ब्रो, रुको एक रिपोर्ट मार के आप करी माजन भाई बोल रहा हूँ, जो बोल रही मैं उनको बोल रहा हूँ। ओके बेबी के ड्राइवर आते हैं बट ब्रो व्हाट्स प्लान टुडे, करते हैं ब्रो कुछ समथिंग। स्टूडियो जाना था एपी, गाना यार कल रात को कर रहा था बना नहीं सही, दारू वारू पी ली मैंने तो फिर उसके बाद बना नहीं। सही है, एपी कर दा कॉल ब्रो बाद चो, बार बार सिम्बा का पापा। एपी दी पहचान किदा नहीं पहचान, सिम्बा दा पापा खुद बोल, शुड वी कुक चिकन विंग्स टुनाइट, या श्योर वी डू समथिंग ब्रो, रिमूव प्लान समथिंग करते हैं कुछ। क्या करते हैं, किसको रिमूव कर दिया, एपी को, कितना गंदा वर्ड देखे, फेक फेक लोग आके कितने गंदे वर्ड लिखते हैं। आपने एपी को रिमूव कर दिया, आप फिर सो क्यूट, अब कनाडा का वीजा बंद हो रहा है, तेरी माँ के लिए भी बंद हो गए साले, पैसे वाले जो पैसे खर्चने वाले होते ना लोगों के लिए कुछ बंद नहीं होता बेटा, जो तुम लोगों जैसे नल्ले होते ना लोगों के लिए बंद होता है। Should we cook chicken wings tonight? Oh my god, अच्छा आजन भाई दिवाली आ रही, बधाई लेने वाले आएंगे के दो काम पैसे लेंगे। So pretty, आप लोग काफी टाइम बाद लाइव आए तो क्या Sky boy, don't you make high pony? You will look more hot in that. Add me Didi. आज आप बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो, सो प्रिटी। महाजन भाई कैसे हो, मैं ठीक हूँ यार, बस थोड़ा टायर्ड हूँ क्योंकि आज ही रेस्ट का दिन मिला। आपको पता है क्या हुआ, मैंने कल स्टोरी डाला था कि इंस्टाग्राम वालों को जो भी मेरे फॉलोअर्स है और गुची, कुछ लोग जाके सुबह सुबह स्टोरी लगाया गुची गुची गुची, कुछ कुछ लोग जो अभी अभी उड़ते हैं ना वो लोग देखे भी नहीं है तब से यूज करते हैं। कोई काम करवा देना कनाडा में भाई, स्किल आती है आपको तो फिर बताओ, विदाउट एनी स्किल और विदाउट एनी एक्सपीरियंस आपको कुछ नहीं मिल सकता, मतलब फिर आपको एजेंसीज में कॉल करना पड़ेगा। माजन भाई कनाडा अच्छा, हाँ वहाँ भी अच्छा, सरोजनी है काम करते थे आपको पता है, सरोजनी वही पे है दिल्ली में गई है कुछ कोई छोटे से एरिया को पता नहीं, मतलब चीप पर समथिंग
विक्टोरिया सीक्रेट। माजन भाई शादी कब कर रहे हो? पहले सेटल तो हो जाए भाई। नो वर्सेस नो गुची ओनली विक्टोरिया सीक्रेट। नेम थोड़ा बड़ा बीजी का सी थोड़ा हो पड़ा उसके माइक बाग में। जी अच्छा का सी हो उसके बैग। आओ अरे छोड़ो दोस्त दे दो। फेस। ओके इनफैक्ट हाँ ये निशा भी तो वही रहती थी सरोजनी नगर में ही। निशा तुम भी सरोजनी नगर ही घूमती थी ना, टहलती थी वहीं पे। वहां पे निशा एक वो मार्केट है, क्या बोलते उसको यार, गलेरिया मार्केट। वहां पे बहुत अच्छा मिलता है वो, क्या बोलते हैं, एग रोल और चिकन रोल समथिंग, पता नहीं कुछ ऐसा। बहुत बढ़िया मार्केट है वो, छोटी सी है लेकिन मतलब काफी अच्छी लाइटिंग वाइटिंग रात तक। मेरे आईब्रो तो नेचुरल है, कौन खराब करेंगे। महाजन कनाडा में वेप हुक्का मिलते हैं क्या? हाँ भाई मिलते हैं ना वेप। बैलेंस लाजपत। अच्छा सॉरी। लाजपत 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 वालों ने लाज रख ली तुम्हारी निशा। दैट्स इन नोएडा। अच्छा ओके हाँ यस यस आपको पता है सरोजिनी का। अच्छा सरोजनी में आई थिंक कपड़े वपड़े मिलते सस्ते शायद से, पक्का नहीं पता मुझे। हाँ अच्छा ओके एक बार दिल्ली गया था मैं भाई, इतना बड़ा शोरूम था और वहां पे कपड़े कैसे थे, ऐसे बिछे पड़े थे बहन जो कपड़े, मतलब ऐसे मैं गलेरिया मार्केट के लिए जा रहा थे हम, तो हम लोग बाइक पे थे तो हम सारा मतलब वहां पे देख रहे थे मार्केट्स वगैरह सब चीजें। तो मैंने देखा इतना बड़ा शोरूम और वहां पे लगे थे जीने कैसे, हाँ 300 300 चार चार तीस सौ रुपीस पांच पांच ओ सौ यस हाँ। आपने देखा था वो जारा का, आपको पता है 150 280 के आते हैं। ओ 300 का तो 100 का आता है। हाँ मेरे को निशा उस दिन भेजी है, मैंने कहा ये कहाँ से मिला आपको, बोलते तीन सौ की चीज हो में सरोजनी में सस्ते कपड़े मिलते हैं, कॉपी कॉपी रेडियो पर। हाँ की। हाँ हाँ पैंसो तो तुझे क्या प्रॉब्लम है तू बता अपना। मतलब फिर किसको बोल रहे हैं। पता नहीं किसी ओके अंकित को, लेकिन उसका तो मैसेज ही नहीं आया कोई अंकित वगैरह का कोई। हाँ कोई आया मैंने तो पढ़ा नहीं तो ये क्यों उसको टैग करके बोल रहे। ओके बेल्ट 500 के बोल के थी। यस यस मैं उस समय कॉल पे थी, उसने बोला कि गुच्ची का जो बेल्ट है वो 500 का। ओके और जैसे निशा दूर आ गई ना तो बोलते हैं मैडम लास्ट है, बोलते हैं अब बंद नहीं करने वाले हम लेके जाओ। 30 रुपए में। निशा तो दिल्ली में ही है अभी भी, मेरे को वहां से सरोजनी भेज अब दे बहन ओल्ड हो चोद। गया आप, निशा 20-30 10% हजार की शॉपिंग ज्यादा। करके भेज मेरे को वहां अच्छा से, मैं ओके देता हूँ तेरे को पैसे। ओके वैरायटी मिलती है। अच्छा ऐसा है क्या, लक्ष्य है। गुड अब गुड ओल्ड हो गया है, अब जानपत में ज्यादा वैरायटी मिलती है भाई। वैरायटी क्या बहन चोद, सस्ते वाले कपड़े बहन चोद में क्या वैरायटी। कोई बात नहीं, उसमें भी कुछ कुछ लोग बहुत ज्यादा फेंक के जाते हैं, इतना फेंकते हैं कि हमको चक्कर आने लगे। भाई नीचे बताओ क्या वो यूज्ड कपड़े होते हैं, इतने सस्ते कैसे मुझे मिल ऐसा जाते हैं। लगता है कि हम जो पुराने कपड़े देखो, नहीं हम मेरा कपड़ा तो वो नमक से ही वो वॉश होके वो सारा कपड़ा जाता है तो वो अनाथ आश्रम में जाता है। ऐसे भी मेरी मम्मी किसी को देते नहीं है कपड़ा, मेरा जो होता है वो नमक में भिगो के रखते हैं एंड देन क्योंकि उसमें बोलते हैं कि बहुत सारे लक होता है जो चला जाता है अगर ऐसे देते नॉर्मली वॉश करके वो तो नॉर्मली वॉश सरोजनी करके नहीं। नगर से ले आए चपरी रोग कुछ। सरोजनी अब और अच्छा इसके बाद कमेंट नहीं दिखा कोई यार।
क्या है यार वेंचर में कौन? हाँ दिखा, सरोजनी मार्केट। जो नहीं ज्यादा नहीं यूज नहीं सस्ते होते, नहीं बेचते होते हैं हैं। वो चोरी के भी। अच्छा ऐसा है क्या? चोरी के भी होते हैं वेंचर, चोरी के भी वेंचर कपड़े होते हैं, अच्छा मतलब कपड़े थोड़ा भी चोरी लो के। होता है बट कुछ चीजें अच्छी होती है। अच्छा ओके। जिम अभी जाऊंगी। 12 बज गया। आपको पता है क्या थोड़ा हुआ लो जुपी पे? होता मैं कितना हार गई और हारने के बाद मैंने जुपिटर को मार दिया। अब वो क्या जुपी के। हाँ ही यूज भी मिक्स होता है। हाँ आपको पता है कुछ कुछ लोग जैसे यूज करके वो किसी को दे देते हैं तो उन लोग कैसे उसको ड्राई क्लीन करवाते अच्छे से और उसके बाद भी रीसेल करते। आपको पता है? जुपी क्या होता है, कौन सी है? सही लूडो। है। ओके ऐसा है एक्सप्रेशंस क्या? लूडो छपरी के कॉस्मेटिक आते अच्छा भी मतलब वहीं का 100-150 में। गिफ्टेड होता है थोड़ा बहुत। अच्छा ओके भाई ओके। अच्छा ऐसा भी होता है इसका अपने मैं मुंबई चोर में बाजार चोर है ना, बाजार है वैसे ऐसे होगा। होगा। मैं तो जिंदगी में कभी चोर बाजार नहीं गई बट एक बार मैंने एक वीडियो देखा था टिकटॉक पे जहाँ पे चोर बाजार में कोई कुछ लिया था और घर पे आके खोला तो उसको ईंट मिला था और जा भी नहीं सकते बिकॉज दैट चोर बाजार राइट। और चोर बाजार में कौन किसी चोर से लड़ने जाएंगे? तो हमने फिर आज से मैं हम दिल्ली ना, हमारा होता था सम्मेलन निरंकारियों का, वो होता था बरारी रोड पे। हमने आज से मतलब 7-8 साल पहले गए थे सारी मम्मी के साथ मार्केट में। तो हमने ना अपने काम वाली के लिए सूट लेने थे वहां पे, वो पता नहीं क्या लगे थे, 200 में, 200 में 4 सूट, पता नहीं कि 200 में 3 सूट, पता नहीं समथिंग ऐसा कोई पैकेट बना हुआ था। हमें ले लिया, जब घर आके उसको दिया बहनचोद, वो सूट नहीं था, वो बहनचोद वो कपड़े बने हुए थे, बस कपड़े निकले, बस पूरे मतलब अलग अलग पीसेस निकले कपड़े के, मतलब सिर्फ कपड़े के जो वेस्टेज, लेकिन ऊपर सूट का वो बनाया हुआ था उन्होंने कि ऐसा सूट है बस। तो वो जैसे एक सूट होता ना, दो साइड होती ना, एक फ्रंट होती है एक बैक होती है, उसमें एक में फ्रंट थी अकेली अकेली फ्रंट, एक में बैक थी अकेली अलग कलर की, फिर अलग फ्रंट, मतलब ऐसे 4 कपड़े लगाए थे, फ्रंट फ्रंट बैक बैक, और सूट था ही नहीं वो। तो मैं हम हंसने लगे बहनचोद कि ये क्या चोर बेचारी है बहनचोद। अरे हाँ होता है बाबा ऐसा। जॉब पे नहीं जाना नहीं छुट्टी है आज। सैटरडे? आप लोग तो पार्टी करने जा रहे हो ना एपी के घर? कौन सी पार्टी, हम कहीं भी नहीं जा रहे, यहाँ पे तो 2:30 बज गए हैं अभी, कोई प्लान नहीं है। एपी कह रहा है कि स्टूडियो के बाहर ही, उसके स्टूडियो के बाहर ही उसके पास वो पड़ा है, चैम्बर है उसके पास, तो वहां पे ही कहता है कि वो बनाते हैं विंग्स। विंग्स मतलब ओके जो हाँ रेडीमेड ये रेडीमेड स्पेशल रेडीमेड होंगे। चिकन आता है जो ऑलरेडी मैरिनेट होता है, उसको सिर्फ विंग्स को मतलब सिर्फ उस पर चैम्बर पे रखना होता है, बस रेडी हो जाता है, आधा घंटे में वाह रेडी हो जाते हैं, फिर आधा घंटे में चिकन खा लेता है। विंग्स। हाँ मैं आऊंगी तो मुझे भी खिलाना। ओके ओके। तो स्टूडियो जाना यार, पहले तो मतलब एक और मैसेज आ रखा है बर्थडे का, उसने गाना बनाना, तो वो पे वगैरह भी करेगा सब कुछ, तो थोड़ा उसका भी देखना पड़ेगा, वरना भी पता नहीं क्या सीन है। अगर स्टूडियो चले गए फिर तो कहीं और नहीं जा पाएंगे, फिर तो पूरी रात वहीं चली जाती है, एक हिसाब से पूरा दिन चला जाता है, रात को निकलते हैं वहां से। कल भी रात को हम 1-1 बजे आए थे घर, आई थिंक 1-1.5 बजे, वो भी टिड्डी छोड़ के गया था गाड़ी में, हमारी गाड़ी वहीं लगी है उसके घर के बाहर ही, स्टूडियो के घर के बाहर, रेंडी घर को, क्योंकि रात को पी ली थी सबने गाना बनाते बनाते, लेकिन गाना भी सही नहीं बना था, इससे अच्छी तो डमी लग रही थी साली, क्योंकि थोड़ी कंपोजिशन थोड़ी सी चेंज हो आपके गई। पास दिन है अभी? हाँ तो दोपहर के 2:30 बजे हैं। हाँ फिर शाम को जाओगे ना पार्टी? मतलब कौन सी पार्टी, खाना खाना नॉट पार्टी। पार्टी और यहाँ पे इन लोगों के पास जाना है, जमीन आसमान का फर्क है। पार्टी वैसे भी सैटरडे संडे नहीं होती, पार्टी सिर्फ होती है फ्राइडे को, पर फ्राइडे को हमारे काम होते हैं, फ्राइडे को जैसे काम से फ्री हो गए थे हम, 6-7 बजे तो काम से फ्री हुए थे, फिर 1 घंटे की ड्राइव थी, मतलब घर आने की भी 1 घंटे की ड्राइव थी, और रेंडी के घर भी जाने की 1 घंटे की ड्राइव थी, तो हम सीधा स्टूडियो ही चले गए। तो स्टूडियो बैठ के फिर खाया पिया, पिज्जा वुज्जा खाया,
फिर वहीं पे पी पू लिया, गाना गुना भी वहीं पे बना लिया, चाय वाय बना के पी, सब कुछ वहीं पे किया बैठ के। उसकी अपना मतलब उसकी बेसमेंट ना पूरी अपनी, स्टूडियो बनाया उसने घर को। निशा मैं भी पापा के पैसे में घूमती हूँ यार। अपना पैसा साइड में रखती हूँ। मेरे पापा पैसे पूछते तो नहीं है, हम दूसरों के पैसे में घूमने वाले लोग थोड़ी है यार। अच्छा छोड़ो, हाँ बोलो ऐसी बात है। तो सॉन्ग बना नहीं बना कोई पूरा।